हेलो एवरीवन, अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं सीएसटी टू गोरेगांव मुंबई लोकल एसी ट्रेन में। ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 3 जनवरी से। ये जो लोकल एसी ट्रेन है जो सीएसटी से गोरेगांव के लिए चलाया जा रहा है, इससे पहले ट्रांस हार्बर लाइन में बिटवीन थाने टू पनवेल चलाया जा रहा था, जिसको कैंसिल करके अभी इसको सीएसटी टू गोरेगांव के लिए कर दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं कि इस लोकल एसी ट्रेन में ऑलमोस्ट खाली है। कंपार्टमेंट में सिर्फ हम दो ही सिर्फ ट्रेवल कर रहे हैं, और पीछे भी आप देख सकते हैं कि दूसरे कंपार्टमेंट भी ऑलमोस्ट खाली है, एक दो ही दिख रहे हैं। एसी ट्रेन का जो टिकट प्राइस है, ऑलमोस्ट जो हम सेकेंड क्लास का टिकट लेते थे लोकल का, उससे 10 times ऑलमोस्ट है। जैसे कि हम नॉर्मल जब रेगुलर टिकट हम सेकेंड क्लास का लेते हैं तो 10 रुपये लगता है, पर यहाँ पर एसी में, जैसे कि मैं सीवरी से गोरेगांव ट्रेवल करता हूँ तो इसका रेगुलर टिकट है 10 रुपये अगर हम हर एक दिन का लेते हैं, पर यहाँ एसी का टिकट का प्राइस आप देखेंगे तो उसका 10 times 125 रुपये है। अगर आप विदाउट टिकट या सेकेंड क्लास का टिकट लेके इस एसी लोकल ट्रेन में आप चढ़ते हैं तो आपको पनिशमेंट के तौर पर आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो फाइन आपका जहां से आप ट्रेवल कर रहे हैं और जहां तक आप जा रहे हैं वहां तक की जो टिकट कॉस्ट है, जो एसी का टिकट कॉस्ट है, प्लस आपको 250 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ेगा। मे बी ये वेरी कर सकता है, पर हाँ ये आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। एसी ट्रेन भी नॉन एसी ट्रेन की तरह हर एक स्टेशन में रुकती है, जहाँ पे जैसे आपका नॉन एसी ट्रेन जहाँ जहाँ स्टेशन में स्टॉपेज था, और सेम स्टेशन इसका भी स्टॉपेज है। संडे और हॉलीडे को एसी ट्रेन बंद रहती है। जो ये ट्रेन है जो सीएसटी से गोरेगांव है इवनिंग के लिए, जिसमें हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं, ये सीएसटी से 5:37 PM को निकलती है, और ये सीवरी में पहुंचती है 5:52, और ये गोरेगांव में इसका पहुंचने का टाइम है 6:31। आपको लोकल एसी ट्रेन में एक फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोग ट्रेवल करते हैं। आप देख सकते हैं, मेन रीज़न है कि इसका टिकट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 times है, इसलिए आपको कम लोग दिखेंगे और आपको सोशल डिस्टेंसिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, तो ये एक बेनिफिट है। लगेज रखने के लिए आपको ऐसा कंपार्टमेंट ऊपर यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं। फाइनली हम आप गोरेगांव पहुँच चुके हैं, और आज ट्रेन 10 मिनट लेट है, तो ओवरऑल जर्नी हमारा बहुत अच्छा रहा।